नमस्कार, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी के चैनल पर। और आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट इश्यू है, क्योंकि इसके अंदर एक आर्टिकल बहुत ज्यादा यूज किया गया है, 142 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार यूज किया है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो भी जाता है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक फैसला दिया कि जो सेक्स वर्कर हैं, उनके काम को प्रोफेशन मान लिया है, यानी उनके काम को मान्यता दे दी गई है। ये किसने कहा है? ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। अब इससे क्या हो जाएगा, पहले क्या होता था, और इसके बाद जो ये फैसला दिया गया है, इसके बाद क्या फर्क पड़ने वाला है जो सेक्स वर्कर है उनकी लाइफ के ऊपर, इन तमाम बातों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और आपने एक मूवी देखी होगी, गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसके अंदर ये मांग की गई थी कि जो सेक्स वर्कर है उनको मान्यता दी जाए, यानी जो प्रोस्टिट्यूशन है उस काम को मान्यता दी जाए, उसको भी लीगलाइज एक तरीके से करने की मांग की गई थी इस मूवी के अंदर। उनको भी एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, ये बातें बोली गई थी। खैर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा, तो आप जाकर वहां से इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो सेक्स वर्क है उसको एक पेशे के रूप में माना जाए, यानी अब से उसको मान्यता दे दी गई है। और इसके बाद जो इसके व्यवसाय कानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा का हकदार है, यानी कि इससे पहले क्या होता था, जो सेक्स वर्कर थे उनके साथ बड़े ही गंदे तरीके से व्यवहार किया जाता था, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो पुलिस हो, जो सुरक्षा कानून की सुरक्षा करने वाली जो पुलिस है वो भी इनके सम्मान को कुछ भी नहीं मानते थे। अगर ये कोई भी मदद के लिए आते थे, इनको एज ए मतलब इतना नीचा समझा जाता था कि ये गंदा काम करते हैं, इसलिए इनसे ठीक ढंग से बात करना भी नहीं होता था। इवन काफी सारे पुलिस, अगर आप उनसे कॉन्टेक्ट में हैं तो उनसे बात करके देखिए, तो आपको बताएंगे कि कैसे ट्रीट किया जाता है इनको, अब से पहले होता था। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इसको प्रोफेशन मान लिया, एज ए काम मान लिया, एज ए पेशा मान लिया, तो यहां पर इनके पास कुछ राइट्स आ जाते हैं। खैर, उन राइट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्टिकल का यूज किया है, उस आर्टिकल का नाम है 142 आर्टिकल। अभी थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी आर्टिकल का यूज किया था। इस आर्टिकल का यूज करते हुए ए जी पेरिवेलन, जो कि राजीव गांधी के हत्याकांड में दोषी थे, उनको रिहा कर दिया गया था 31 साल की सजा काटने के बाद। अब उनको रिहा कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने किया, कैसे किया, इस आर्टिकल का यूज करते हुए। और इससे पहले 142 आर्टिकल का सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया था कि जो नेशनल हाईवे हैं उनके पास 500 मीटर की दूरी तक कोई भी शराब की दुकान नहीं होगी, ये बात 142 आर्टिकल का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी। और नेशनल हाईवे क्या, जो स्टेट हाईवे है वहां पर भी नहीं होगी, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आर्टिकल का यूज करते हुए बोला। तो यानी 142 आर्टिकल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूज किया जा रहा है, तो एक मुद्दा हमारे सामने ये आ रहा है कि इसकी वैधता कौन डिसाइड करेगा कि ये इसका सही से यूज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। क्योंकि 142 आर्टिकल ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज कर सकता है अपने विवेकाधीन की शक्ति के अकॉर्डिंग। मतलब कि कुछ जजेस हैं, उनको लगता है कि ये हमारे सामने काफी टाइम से एक ऐसा केस रखा है जिसके ऊपर हमें उसके ऊपर कोई आदेश देना चाहिए, उसके ऊपर कोई ऑर्डर पास करना चाहिए, काफी टाइम से पेंडिंग है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर ऑर्डर दे सकती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज करते हुए अपने 142 आर्टिकल का यूज करेंगे वो वहां पर। और इसके ऊपर एक बहस भी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट को इस आर्टिकल का यूज करना है तो दो जजेस नहीं, कम से कम 5 जजेस की बेंच होनी चाहिए ताकि कोई भी गड़बड़ ना आए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट को खुद ये चेक करना होगा, वैसे सुप्रीम कोर्ट खुद यूज कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही चेक करेंगे, तो वहां पर तो ये एक तरीके से ये एक एडवाइस दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट खुद चेक करे कि उनके जो पावर वो यूज कर रहे हैं वो सही ढंग से यूज हो पा रही है नहीं पा रही। और साथ ही साथ पार्लियामेंट को भी ये काम करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले की 6 महीने बाद वो एक मतलब जांच करे, रिव्यू करे कि उसके नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़े सोसाइटी के ऊपर या समाज के ऊपर या फिर जिनके लिए वो लागू किए गए थे उनके ऊपर।
तो यहां पर बहुत सारे सुझाव भी दिए गए थे इस 142 आर्टिकल के लिए। खैर यहां पर आते हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने 2020 में जो सेक्स वर्कर हैं उनके काम को अनौपचारिक श्रमिक की कैटेगरी में माना था, यानी इनफॉर्मल वर्कर उनको कहा था यहां पर। अब यहां पर इस जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, इस फैसले से क्या फर्क पड़ने वाला है, तो यहां पर देखिए बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट है। सेक्स वर्कर कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं, ये बात बोली गई है। और आपराधिक कानून सभी मामलों में आयु और सहमति के आधार पर समान रूप से लागू होना चाहिए, मतलब कि एज और कंसेंट यहां पर बहुत ज्यादा मायने रखेगी। अब क्या है, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो सेक्स वर्कर हैं, जो अडल्ट हैं, अगर उनकी सहमति है, उनकी कंसेंट है, तो पुलिस कोई भी हस्तक्षेप या आपराधिक कार्रवाई नहीं करेगी, ये बात बोली गई है। आर्टिकल 21 ये घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित यानी कि हर एक अधिकार, हर एक नागरिक को, चाहे वो भारत का हो चाहे वो ना हो, उनको उनके जीवन या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। और जब किसी भी ब्रोथल यानी कि जो वैशाल्य यानी जो कोठा होता है, अगर उसके ऊपर छापामारी की जाती है, तो उसमें जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको गिरफ्तार या दंडित या परेशान या पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए, ये बात बोली गई है। क्योंकि वो अपनी इच्छा से उस काम में हैं, तो इसलिए इसको इलीगल नहीं कहा गया है। लेकिन जो कोठा है, जो वैशाल्य है, जो ब्रोथल है, वो चलाना गैरकानूनी है, और जो उसको चला रहा है उसको गिरफ्तार कर लो, ना कि जो वहां पर अपनी इच्छा से सेक्स वर्कर है उनको गिरफ्तार करोगे। तो बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट ये एक डिसीजन आप कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। पहले क्या था कि सुप्रीम जो पुलिस आती थी, छापा मारती थी, लड़कियों को भी लेके चली जाती थी, और उनके साथ बहुत ही गंदे तरीके से, बदतमीज वे से उनके साथ ट्रीट किया जाता था। ये खुद पुलिस वाले बोलते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, खुद मेरी बात हुई है, जैसे उन्होंने बताया है, मैं ये आपके सामने बोल रहा हूं। खैर मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन ये चीजें हुई हैं, और इसका जब मैंने सुना है जैसे उनके साथ ट्रीट होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो फैसला है उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। अब यहां पर ये एक बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट इशू है, एक यौन कर्मी के जो बच्चे के अधिकार, जो एक सेक्स वर्कर है उसका जो बच्चा है उसके क्या राइट्स आते हैं। अब क्या होता है कि एक महिला जो सेक्स वर्कर है, अब उसका एक बच्चा होगा, तो क्या होता था कि उस बच्चे को अलग कर दिया करते थे, महिला को अलग कर दिया करते थे। तो यहां पर अब ये बोला गया है कि जो यौन कर्मी, जो एक सेक्स वर्कर है, उसके बच्चे को इस आधार पर आप अलग नहीं कर सकते उसकी मां से कि भाई वो एक देह व्यापार में शामिल है, तो इस आधार पर आप बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरा यहां पर बोला गया है जो बेसिक प्रोटेक्शन है ह्यूमन की, यानी कि जो उसकी गरिमा है, जो उसकी बुनियादी सुरक्षा है, वो जो एक सेक्स वर्कर है उसके बच्चों को भी वो चीजें मिलेंगी। और इसके अलावा अगर कोई नाबालिग एक कोठे में पाया जाता है या सेक्स वर्कर के साथ वो रहता पाया जाता है, तो ये नहीं माना जाना चाहिए कि उस बच्चे को वहां पर ट्रैफिकिंग यानी कि उसको उठाकर लाया गया है, वहां पर एक तरीके से उसको जबरदस्ती वहां रखा गया। ये मानकर क्या होता है कि कभी कभी मान लेते हैं कि यहां पर जो सेक्स वर्कर है उसके साथ जो बच्चा रह रहा है वो उसका नहीं है, इसलिए पुलिस उसको अलग कर देती है, उस महिला को अलग कर देती है, बावजूद उसके वो ये कहती रहती है कि उसका बच्चा है, उसका बच्चा है, यहां पर उसकी बात सुनी नहीं जाती। तो यहां पर बोला गया कि अगर आपको शक है तो आप वहां पर परीक्षण करवाइए, यानी कि वहां पर आप उसका टेस्ट करवाइए, उस टेस्ट से अगर मालूम होता है कि ये जो बच्चा है इस महिला का है, तो यहां पर उसको अलग नहीं किया जाना चाहिए। ये सारी बातें बोली गई हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल यानी मेडिकल केयर की यहां पर बोली गई है कि जो सेक्स वर्कर हैं वो खुद भी सेक्सुअल असोल्ट हो सकते हैं, तो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए फैसिलिटी जो इमीडिएट होनी चाहिए, मेडिकल लीगल केयर वहां पर उनको मिलनी चाहिए। साथ ही साथ मीडिया की भी बात बोली गई है कि रोल क्या होना चाहिए मीडिया को, और मीडिया को बोला गया है कि इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, अगर गिरफ्तारी होती है किसी कोटे पर, छापेमारी की जाती है, कहीं पर भी कोई गिरफ्तारी होती है, छापा होता है, बचाव कार्य होता है, उस वक्त जो सेक्स वर्कर है उनकी पहचान प्रकट न हो, चाहे वो पीड़ित हो चाहे वो खुद आरोपी हो, ऐसी कोई भी तस्वीर जो है उसको टेलीकास्ट नहीं करना होगा जिससे उनकी पहचान का खुलासा हो, ये मीडिया को बोला गया है। इससे पहले हमारे देश के अंदर
जो रिलेटेड प्रोविजन थे सुप्रीम कोर्ट को मतलब कि रोकथाम के लिए वो क्या थे उनके ऊपर एक बार नजर मार लेते हैं। एक हमारे देश में अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम यानी इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। भारत में जो यौन कार्य है जो सेक्स वर्क है उसको नियंत्रित करने वाला जो कानून है अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम है। महिला और बच्चे के अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम वर्ष 1956 में अधिनियमित किया गया था यानी इनेक्ट किया गया था 1956 में। बाद में कानून में संशोधन किया गया और इस अधिनियम का इस एक्ट का नाम बदलकर इमोरल व्यापार यानी कि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट कर दिया गया था। कानून वैशाल्य चलाने वाले जो ये जो कोठा चलाते हैं जो सार्वजनिक स्थान पर याचना करते हैं सेक्स वर्क की कमाई से जीने और सेक्स वर्कर के साथ रहने या आदतन रहने जैसे काम को दंडित करता है यहाँ पर। अब न्यायमूर्ति वर्मा आयोग एक ये आपको ध्यान रखना है न्यायमूर्ति वर्मा आयोग ने यह भी स्वीकार किया था कि जो व्यवसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी की जाने वाली जो महिला है जो वेशक है और सहमति देने वाले जो महिलाओं के बीच में अंतर होता है एक किसी को जबरदस्ती लाया गया है और एक जो अपनी मर्जी से उसके अंदर आया है तो इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये बात बोली गई थी यहां पर न्यायमूर्ति वर्मा आयोग के द्वारा। और अब जो अपनी इच्छा से यौन कार्य में है अब इसके अलावा बुद्ध देव करमसर वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य 2011 ये एक मामला आया था। इसमें उच्चतम न्यायालय के द्वारा यानी हाई कोर्ट के द्वारा ये बात बोली गई थी कि बुद्ध देव करमसर वर्सेस पश्चिम बंगाल 2011 मामले में जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको सम्मान का अधिकार है यानी राइट टू डिग्निटी है ये 2011 में भी यह बात बोली गई थी। अब यहां पर सामने क्या चुनौतियां आती हैं जो सेक्स वर्कर होते हैं कैसे उनके साथ मतलब कि भेदभाव किया जाता है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। देखिए यहां पर आपको एक बात बहुत समझनी होगी जो सेक्स वर्कर होते हैं जो अपनी इच्छा से भी नहीं आते और जहां पर वो अपनी इच्छा से नहीं आते फिर वो उस काम में लग जाते हैं फिर वो वैसी काम में रहना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो अगर चाहें तो समाज में जाना या अपने परिवार में जाना तो क्या उनका परिवार उनको कभी एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं करता। तो ये बात खुद बोलते हैं क्या हमें हमारा परिवार कभी एक्सेप्ट करेगा? नहीं करता। तो अब जब हम ये काम कर रहे हैं कम से कम हमें इस काम के लिए माना तो जाए कि ये भी एक काम है। अब ये एक काम है इसको पहले नहीं माना जाता तो इनके साथ भेदभाव हुआ करता था। भेदभाव इतना गंदे तरीके से व्यवहार किया जाता था इनको गालियां देना अभी आपको आगे मैं बताने वाला हूं। देखिए जो यौन कर्मी जो सेक्स वर्कर है उनके अधिकार जो है नॉन एग्जिस्टेंट थे मतलब थे ही नहीं अस्तित्व में नहीं है। ऐसा काम करने वालों को उनकी आपराधिक स्थिति के कारण उनके साथ भेदभाव का सामना करना पड़ता है और इन लोगों को बहुत ही गंदे वे से देखा जाता है और समाज में इनका कोई भी स्थान नहीं होता और अधिकांश जो लैंडलॉर्ड होते हैं जो कानून के जो रक्षक होते हैं वो भी इनके साथ बहुत कठोर एक स्ट्रॉन्ग व्यवहार करते हैं। इनको मतलब सही ढंग से बात नहीं करना गाली देना इतने गंदे तरीके से व्यवहार करना और दूसरों के समान जो मानव स्वास्थ्य श्रम अधिकार दिए जाने की जो मांग के लिए लड़ाई जारी है क्योंकि इन्हें कभी भी इनको श्रमिकों के समान श्रेणी में माना ही नहीं गया। जो एक कैटेगरी होती है वर्कर्स की उनको जो अधिकार प्राप्त होते हैं हेल्थ के लेबर राइट्स के वो इनको कभी मिले ही नहीं। अब दुर्व्यवहार का और शोषण जैसे इनके सामने अब्यूज किया जाता है एक्सप्लोइटेशन इनका होता है। कई बार जो सेक्स वर्कर होते हैं कई तरीके से गालियों का इनको सामना करना पड़ता है जो इनके शारीरिक से लेकर इनको मानसिक हमले तक इनके ऊपर होते हैं इनको वो सहने पड़ते हैं। उन्हें ग्राहकों उनके परिवार उनके सदस्य उनके समुदाय यहां तक कि उनके लोग भी उनका उत्पीड़न कर रहे हैं उनको अब्यूज कर रहे हैं उनको सामना करना पड़ता है और कानून का जो पालन करने वाले हैं वो भी ये काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से इनकी जो एक आप स्थिति समझते हैं तो बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति है बहुत खराब स्थिति है। अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है तो इनके हक में बहुत ज्यादा इनके अब राइट्स आ जाएंगे इनके पास। अब ये भी जहां भी जाएंगे अपने राइट्स के लिए अपनी बात करेंगे पुलिस में जाएंगे तो एक बहुत एक डिग्निटी के साथ इनका भी एक गरिमा है इनकी भी एक इज्जत है सम्मान किया जाना चाहिए। ये सब अब होगा आने वाले टाइम में। खैर ऑब्वियसली इसको एक दिन में तो नहीं बदला जाएगा पुलिस अब अपने व्यवहार को कैसे चेंज करेगी या कहीं पर भी जाएंगे उसके व्यवहार को कैसे चेंज किया जाएगा तो आने वाले टाइम में धीरे धीरे होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला हम कह सकते हैं। अब आगे की राह क्या हो सकती है? देखिए सेक्स वर्क को पेशे के रूप में मान्यता देने और उसे नैतिक स्वरूप प्रदान करने का एक तरीके से टाइम आ गया।
सेक्स वर्क के अंतर्गत जो भी वयस्क पुरुष हैं, कोई महिला नहीं है, जो पुरुष भी होते हैं, महिला जो ट्रांसजेंडर हैं, उनको यौन सेवाएं प्रदान कर आजीविका चलाने वाले गरिमा पूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं हिंसा, शोषण, सामाजिक कलंक और जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उससे मुक्ति का अधिकार प्रदान करने की उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। और अब समय आ गया है कि हम श्रम के दृष्टिकोण से भी जो सेक्स वर्क है उसके ऊपर पुनर्विचार करें और जहां तक उनके काम को पहचान प्रदान कर उन्हें बुनियादी श्रम अधिकारों, जो एक गारंटी मिलती है, लेबर राइट्स मिलते हैं, उनको वो उपलब्ध करवाए जाए। और संसद को भी मौजूदा कानून पर फिर से विचार करना चाहिए, पीड़ित बचाव पुनर्वास की प्रक्रिया में जो भी व्याप्त समस्याएं उसे दूर करनी चाहिए। और संकट के इस समय में विशेष रूप से यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुप्रीम, ये जो संसद है वो पार्लियामेंट है, इस तरीके का काम करे। खैर, ये तो आपने सारे पॉजिटिव पॉइंट सुने, एक तरीके से यहां पर नेगेटिव भी निकल के आ रहा है जो ट्विटर पर काफी ज्यादा ट्रेंड किया। ट्विटर में ये ट्रेंड कर रहा है कि जो अब एक महिला है जिसकी कोई इच्छा नहीं है, उसको जबरदस्ती उस काम में लेके जाया जाएगा, उसको डरा कर धमका कर अब उससे वो काम करवाया जाएगा, तो ये बोल देगी अभी यहाँ पर पुलिस आती है रेड मारती है, तो यहाँ पर इसने कहा कि मेरी तो कंसेंट है क्योंकि इसको पीछे से डराया जा रहा है, तो यहाँ पर और तरीके से इनको और दबाया जाएगा। तो एक यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट भी ये भी निकल के आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में ये सब चीजें भी दूर हों और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर भी कोई फैसला बनाए या फिर कोई इसके ऊपर भी कानून बन के आएगा। ये सारा टॉपिक आपको लिखा लिखा है मिल जाएगा, ऐसा नहीं था कि आपको कुछ भी लिखना था। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए हैं तो भैया शेयर कर सकते हो चैनल को भी एज वेल एज वीडियो को भी, ताकि लोगों तक ये न्यूज पहुंचे। तो बस आज के लिए इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।